एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने शुरू किया दावा नल बुझाने का काम। आग पर दो राउंड में पानी का किया छिड़काव। मंगलवार को सुबह 5:30 बजे फिर शुरू होगा एयरफोर्स का ऑपरेशन। उदयपुर 18 अप्रैल लेक सिटी के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में लगी आग को काबू में करने के लिए सोमवार शाम को फलोदी से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा और दो राउंड पानी का छिड़काव कर वन क्षेत्र के कुछ हिस्से में लगी आग को बुझाया। हेलीकॉप्टर ने बड़ी झील से पानी भरकर दो बार बड़ी क्षेत्र की ओर लगी आग पर पानी का छिड़काव किया। DFO अजीत ऊंचाई ने बताया कि सेना के इस हेलीकॉप्टर में लगाई जाने वाली बकेट की क्षमता 4,900 लीटर होती है, परंतु इसे 3,500 लीटर के आसपास भरा जाता है। इस मायने में सोमवार को हेलीकॉप्टर ने दो बार में लगभग 7,000 लीटर पानी का छिड़काव किया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आग पर संपूर्ण काबू पाने तक यह ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। इधर शाम को अंधेरा होने के बाद हेलीकॉप्टर पुनः लौट गया। वहीं बड़ी क्षेत्र की ओर आग रह रहकर लगती हुई दिखाई दी, इसलिए अब यह हेलीकॉप्टर मंगलवार को जल्द सुबह 5:30 बजे बाद उड़ान भरते हुए पुनः आग बुझाने के काम पर जुट जाएगा।